की वीडियो में हमारे पास है यहाँ पर टॉवर वाला एक होम थिएटर। तो दोस्तों आज इसे हम अपने कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करेंगे, तो सारे कनेक्शन आज इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। मेरा नाम है संजू, आप देख रहे हैं लर्निंग बाबा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो। टॉवर वाले होम थिएटर को अपने कंप्यूटर के साथ यानी अपने सीपीयू के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको चाहिए होगी एक ऑक्स केबल। जी हाँ दोस्तों, ये इस तरह की एक ऑक्स केबल होती है जिसका एक सिरा ऑडियो वीडियो का होता है और एक 3.5 mm का जैक होता है। नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहां से जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके कनेक्शन सिखाता हूं कि किस तरीके से आपको इसके कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको चलना है अपने टॉवर के पीछे। टॉवर के पीछे यार कहाँ निकल गई बात, मतलब टॉवर के पीछे मतलब इस होम थिएटर के पीछे। तो दोस्तों इस होम थिएटर के बैक पैनल पे चलते हैं, तो मैं आपको इसका बैक पैनल दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए कुछ इस तरह का होता है इसका बैक पैनल। तो ये है दोस्तों इसका बैक पैनल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इनपुट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। ये ऑडियो का इनपुट है, तो इस ऑडियो के इनपुट में आपको इस ऑक्स केबल को लगाना है। तो ये जो ऑडियो वीडियो का पोर्ट है, इस ऑडियो वीडियो के पोर्ट को आपको बाइट में बाइट और रेड में रेड यहाँ पर इस तरीके से लगा है, यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब हमें चलना है अपने कंप्यूटर के पीछे। अब आ चुके हैं हम लोग सीपीयू के बैक पैनल पर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको तीन ऑक्स की केबल की सॉकेट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो बीच वाला सॉकेट है, इस सॉकेट में आपको ये जो 3.5 mm का जैक है केबल का, इसको यहाँ पर लगा देना है। तो जैसे आप यहाँ पर इसे लगा देंगे, ये सारे कनेक्शन यहाँ पर हो जाएंगे। तो आप चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर के फ्रंट पर। हमारा कंप्यूटर हमारे होम थिएटर यानी कि टॉवर के साथ यहाँ पर कनेक्ट। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से मोड को सिलेक्ट करना है। तो मोड को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बटन दे रखा है मोड का। तो अभी जो है ये वायरलेस पे लगा हुआ है यानी कि ब्लूटूथ सिस्टम पे लगा हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, मोड वाला बटन दबाएंगे। तो अब देखिए अब जो है यहाँ पर ये वायरलेस एंटीना चालू हो गया है, ये FM चालू हो गई है। फिर एक बार और दबाएंगे इसे, देखिए दोस्तों यहाँ पर AUH लिखकर आ रहा है। तो यहाँ पर इसी मोड पर आपको सिलेक्ट करना है जब आप इस तरह के कनेक्शन करते हैं। तो अब जो है सिलेक्शन पूरा हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक म्यूजिक आपको प्ले करके दिखाता हूँ। फाइनली यहाँ पर म्यूजिक को सिलेक्ट कर लिया, तो अब मैं इसे प्ले कर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर जितनी भी वॉइस आ रही है वो सब हमारे होम थिएटर से आ रही है, अपने टॉवर से आ रही है। तो यहाँ से आप वॉल्यूम को कंट्रोल वगैरह भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप दोस्तों यहाँ से या फिर अपने कंप्यूटर से भी वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपका जो होम थिएटर है यानी टॉवर है वो यहाँ पर आपके कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट हो चुका है। तो आपको ये सारे कनेक्शन समझ में आ गए होंगे, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।